हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम है सौरभ साहा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी फिगर काफी आसानी से बना सकते हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यूज करूंगा बस एक 2B पेंसिल और 10B पेंसिल और एक इरेजर, क्योंकि आप ये किसी BFA एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो आप बस एक लाइट पेंसिल का यूज कीजिए, क्योंकि आपको वाटर कलर से उसको फिल करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ताकि इसमें दिखाई दे तो मैं एक डार्क पेंसिल भी यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक इमेज दिखाई दे रही है, तो उस इमेज में सबसे पहले हमें जो चीज दिखाई दे रही है कि उसका जो फिगर है उसका पॉस्चर क्या है, उस पॉस्चर को देख के सबसे पहले हम एक जेस्चर ड्रॉइंग करेंगे लाइट पेंसिल से। काफी हल्के से आपको ये ड्रॉइंग करनी है, क्योंकि ये सब हमें फाइनल पेंटिंग में दिखाई नहीं देगी। देखिए कैसे उनका जो शोल्डर है काफी एंगल में, तो उस शोल्डर का जो एंगल है उसको हमने कैप्चर किया। उसके बाद उसका जो हेड है, हेड का जो पोजीशन है उसको भी हमने बस एक आराम, बस उसका एक एंगल लेके अपने ड्राइंग के लिए जेस्चर एस्टेब्लिश किया। उसके बाद उसका जो हेड का पॉइस्चर है बस उसको एक सर्कल बना के और उसके ऊपर जो पगड़ी है उसको भी अच्छे से सर्कल बना के हमने बस डिपिक्ट किया। और इसके बाद एंगल को थोड़ा सा रिफाइन करते हुए हमने जो उसका हैंड के लिए जो एक जेस्चर है वो बनाया। ठीक है, उसके बाद उसके लेग के लिए दूसरा वाला, आपको बस एंगल्स को देखना है कि एंगल्स कैसे है, थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन का ध्यान रखते हुए। और फिर यहाँ पर ऐसे ये यहां से ऐसे जाए। देखिए ये काफी एक बेसिक सा शेप काफी लाइटली हमने ड्रॉ कर लिए, और इधर जो व्हील है और ये रहा पॉट जिसके अंदर हाथ डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बस एक बेसिक सा जेस्चर बना लिए, जो कि आपको उतना ज्यादा दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि काफी लाइटली बना है। तो इसके बाद क्या करना है हमें कि जो फॉर्म्स थे उसको थोड़ा और रिफाइन करना है और एक वॉल्यूम जैसा क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से देख के, उसके जो क्लोथ की फोल्ड है उसको देख के, फॉर्म्स को देख के हम बस उसके एक रफ, अभी भी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ, बस रफली हमें एक उसका जो फिगर का फॉर्म है वो देख के ड्रॉ करना है। बाद फेस के लिए हमने बस एक रफ को किस तरफ देख रहा है उसका बस एक मार्क बनाया, ताकि हमें पता चले कि वो कहा कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, लेकिन उतनी डिटेल्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम वैसे भी इसमें वाटर कलर ही भरेंगे और उसमें उतनी डिटेल्स हमें चाहिए नहीं होती है। इसके बाद हमारा जो ये हैंड है ये थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन पे है, लेकिन क्योंकि हमने हमारा जो जेस्चर पहले स्टैब्लिश कर लिया था कि ये कौन से डायरेक्शन में हमारा ये हाथ जा रहा है, तो इसके बाद ये जो आसानी से हम इसके इर्द गिर्द अच्छे से फॉर्म को बना सकते हैं।
और इसके साथ यहाँ पर हमें छोटा सा इसका जो दूसरा हैंड का थोड़ा सा जो पार्ट दिख रहा है वो भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो घुटना है ये थोड़ा और ऊपर लग रहा है मुझे, तो इसे भी हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। और ये रहा दूसरा घुटना। देखिए जब ऐसा फोर शॉर्टन घुटना हमें दिख रहा है क्योंकि ये सामने की तरफ है और पूरा लेग दिखने रहा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो वहां का शेप है उसको बस एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी ऐसे ज्योमेट्रिक शेप में पहले डिवाइड कीजिए, उसके बाद आप इसके जो लेग्स के बाकी पार्ट्स है उसको बनाइए। जो फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं उसको बस अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। तो ऐसे हमारा जो रफली जो एक स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, जो हल्के फुल्के फोल्ड्स है बॉडी मतलब कपड़ों के वो भी आप इसमें बना लीजिए थोड़े बहुत, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो डार्क पेंसिल हमारे पास है उसका यूज करके जो ऊपरी फॉर्म्स है उसको हम दिखाएंगे, ताकि इस ड्राइंग को अच्छे से आप देख पाए और जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डेफिनेशन दे पाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको वाटर कलर करें, जो कि आप अपने एग्जामिनेशन में करेंगे ही, तो शायद आप जो डार्क पेंसिल्स है आउटलाइन से वो ना करे, क्योंकि तो उससे क्या होगा कि वाटर कलर में थोड़ा सा वो ज्यादा डार्क दिखाई दे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फिगर ड्राइंग का, काफी सारे फिगर ड्राइंग का आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसी टाइम आप ब्लैक पेंसिल जो डार्क पेंसिल है उसका यूज कीजिए, ताकि आप कोई भी मिस्टेक्स को देख पाए और अपनी जो ड्राइंग हो थोड़ी ठीक लगे। तो एक रफली हमने जो पूरा ड्राइंग है वो बना लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो डार्क पेंसिल है उसको लेंगे और धीरे धीरे सारे ड्राइंग की आउटलाइन को अच्छे से बना लेंगे। और इसमें देखिए आपको ना जो एक लाइन वेट है उसका यूज करना है, जैसे कि एक अगर बॉक्स है तो अगर हम एक साइड को डार्क करें और फिर दूसरी साइड को काफी लाइटली दे तो क्या फील होगा कि इस साइड एक शैडो गिर रहा है, मतलब ये डार्क साइड है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइन का यूज करके, बस लाइन का यूज करके हम ये बता रहे हैं कि इस जगह पे डार्क है, इस जगह पे लाइट है। अगर इतने लाइन वेट का आपको उतना समझ में नहीं आता है तो मत यूज कीजिए, लेकिन अगर कर सकते तो ये काफी हेल्पफुल होगा आपके फ्यूचर में ड्रॉइंग्स के लिए भी। तो जो भी डार्क एरिया आपको दिख रहे हैं उसके इर्द गिर्द आप थोड़ा सा लाइन वेट का यूज कीजिए। इस पेंसिल इस स्टेज में आप पेंसिल का यूज करके थोड़े से और फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पिछली बार मैंने क्या किया था कि स्क्रैची लाइंस बनाए थे, जो लाइंस हमारे थे वो काफी स्क्रैची थे, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि छोटे मार्क्स बनाए, लेकिन जो मार्क्स बनाए वो थोड़े स्मूथ हो, तो क्या होगा कि हमारा जो ड्राइंग है काफी क्लीन दिखेगा, क्योंकि स्क्रैची लाइंस आप यूज कर सकते हैं जब आप बस सोच रहे हो या किसी चीज को कैसे बनाए तब आप सोच, क्योंकि अगर जब आप सोच रहे होंगे कि हम किसी चीज को कैसे बनाएं, उस टाइम अगर आप काफी क्लीन लाइंस के बारे में सोचेंगे और लाइंस को काफी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो इमेजिनेशन होगा या फिर जो फॉर्म्स होगा वो सफर कर सकते हैं। इसलिए मैं दो स्टेप रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि पहले स्टेप में आपने क्या किया कि जो स्क्रैची लाइंस है और उतने परफेक्ट लाइंस नहीं थे उसका यूज करके
आपने जो फॉर्म्स है, जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से डिफाइन कर लिया। उसके बाद जब अपना फॉर्म्स डिफाइन हो गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि एक डार्क पेंसिल का यूज करके सारे जो लाइंस है उसको अच्छे से एक वॉल्यूम का यूज करके, अच्छे से लाइन वेट का यूज करके आप एक अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हैं। लाइन वेट काफी इम्पोर्टेंट है और पेंसिल की लाइनिंग भी आपकी जज होती है। यहाँ पर मुझे एक मिस्टेक दिख रही है मेरी ड्राइंग में, ये शायद काफी लंबा हो गया है और जो हाथ का एंगल है वो भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम ऐसे कंपोजिशन ड्राइंग करेंगे तो उस टाइम उतने ज्यादा डिटेल्स का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि जो कंपोजिशन है वो इम्पोर्टेंट है, फिगर इस टाइम उतना नहीं है। लेकिन अगर आप फिगर ओरिएंटेड ड्राइंग करेंगे तब आप अच्छे से हर एक प्रोपोर्शन को मेजर करके करेंगे। लेकिन इस एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक प्रोपोर्शन मेजर करें, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक चलती है, लेकिन कोशिश करें कि ये मिस्टेक ना करें। ये आपको दो या तीन स्टेप्स का प्रोसेस काफी लंबा लगता होगा किसी कंपटीशन के लिए, लेकिन ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है ताकि आपके जो फॉर्म्स है वो नेचुरल रहे और अच्छी से आपकी ड्राइंग दिखे। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा सबसे बहुत ही कम टाइम में भी आप इसको अच्छे से बना सकेंगे। और लेकिन अगर आप कम टाइम में बनाएंगे लेकिन आप अपने क्वालिटी का ध्यान रखिए, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ फिगर्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने क्वालिटी ऑफ फिगर्स है। हाँ, क्वांटिटी चाहिए आपको, दो या तीन फिगर्स बनाने हैं उसमें, लेकिन जो एक मेजर फिगर होगा, एक या दो फिगर्स जो आपके मेन होंगे, उसमें ही आपको इतनी डिटेलिंग करनी है। हर एक फिगर में इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, जो बैकग्राउंड में फिगर्स होंगे तीसरे या चौथे या पांचवे, पांच तो आप बनाइए नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि पांच बनाए तो जो बाकी के है दो के बाद वो आप बस एक रफ आउटलाइन बनाइए और उसके ऊपर कलर्स का यूज करके अच्छे से उस फिगर को दिखाइए, बिग वॉशेस का यूज करके। लेकिन जो आपके जो मेन फिगर्स होंगे उसको थोड़ा सा आप डिटेल बनाने का कोशिश कीजिए। इससे ज्यादा फोल्ड्स वोल्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो शेडो एरियाज है उसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब कलर करना होगा उस टाइम आपको बस शेडो एरियाज को सबसे अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक हमारा अच्छा सा एक स्ट्रक्चर बन गया और इसके ऊपर अभी आप वाटर कलर कर सकते हैं। तो इसी तरह से कई और ड्राइंग आप बना सकते हैं। चलिए एक और ड्राइंग करते हैं फीमेल की। तो ये वाली ड्राइंग शायद अच्छी होगी, चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप फिर से याद रखिए, कभी भूलिए मत कि हमें स्टेप्स में जाना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था पिछले बार, जेस्चर। फिर से आप अपने लाइट पेंसिल का यूज कीजिए और एक राउंड बनाइए उसके फेस के लिए, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ देख रही है सामने, तो उसके बाद क्योंकि देखिए शोल्डर के एंगल काफी मैटर करते हैं आपके पोजीशन को बताने के लिए, तो शोल्डर का एक एंगल दीजिए, थोड़ा सा एग्जैजरेट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा ज्यादा दिखाएंगे तो शायद आपका करेक्ट हो, क्योंकि हम ह्यूमन जब देखते हैं किसी चीज को तो हम उसको उसमें बस स्ट्रेट लाइंस खोजते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइंस नहीं, थोड़े एंगल लाइंस होने से जो ड्राइंग है वो काफी डायनामिक दिखती है और बहुत ही अच्छी बन सकती है और रियलिस्टिक दिखेगी, क्योंकि हमारे जो रियल लाइफ है उसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि कोई भी उतने ज्यादा स्ट्रिक्टली खड़ा नहीं होता, उतना स्ट्रेट खड़ा नहीं होता, लेकिन जो आपके पोजेस है उसको भी आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा डायनामिक हो, उतना ज्यादा स्ट्रेट ना हो। उसके बाद शोल्डर और हैंड के जो जेस्चर है, उसके बाद आप देखिए कि आपका जो कमर का जेस्चर क्या है,
क्योंकि इसमें उसने साड़ी पहना हुआ होगा तो उतने डिटेलली आपको कमर और बाकी जो लेग्स है वो सब उतने डिटेलली नहीं चाहिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक फॉर्म हो तो वो अच्छे से हेल्प करता है अपने जो फिगर की जो ओवरऑल जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए। तो क्योंकि उसका ये वाला लेग जो थोड़ा सा ऊपर है तो मुझे लग रहा है कि ये जो एंगल है थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप बस एक राउंड बनाइए पेल्विस के लिए। ठीक है, और उसके बाद पेल्विस से आप सॉरी पेल्विस से ही एक और दो लाइंस बना लीजिए अपने जो लेग्स है उसके लिए। एक लेग फोल्डेड है और जो दूसरा है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ये एक काफी स्टिक फिगर जैसा बन गया है। और जो लेग्स मतलब जो फुट है उसके लिए आप ट्रायंगल्स का यूज कीजिए। ये लेग आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा सा बेंडेड है क्योंकि ये चल रही है तो थोड़ा सा बेंडेड है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो क्योंकि अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है मतलब जो एक वायर फ्रेम है वो रेडी है, उसके ऊपर हम उसी लाइट पेंसिल से अच्छे से अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या, जो हमें आउटलाइंस दिखती है, जो आउटलाइंस हमें बनानी है। लेकिन जो भी हम बनाएंगे उतना डिटेल नहीं, बस फॉर्म्स को थोड़ा सा देख के कैसी वो दिख रही है। डिटेल हम बना सकते हैं अगर हम उतनी डिटेल ऑयल पेंटिंग बनाए या कोई वाटर कलर में ही अगर कोई बड़ी पेंटिंग बनाए, लेकिन क्योंकि ये बस वाटर कलर की इम्प्रेशन पे फोकस करना है हमें फिगर्स के, वो क्या कर रहे हैं, हमारा मेन चीज क्या है, कॉम्पोजिशन। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि जो ये कॉम्पोजिशन ड्राइंग्स होती है उसमें फिगर पे ध्यान दे देते हैं और वो जो कर रही है उस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए जो जेस्चर है काफी अच्छा होता है। क्योंकि जेस्चर का मेन मोटिव ये है कि हम वो जो फिगर कर रही है उसे पहले दिखाए, उसके बाद हम अपने फिगर के स्ट्रक्चर पे जाए। तो क्योंकि हमने ये जो लाइंस थे ये पहले बना लिए तो क्या हुआ कि एक अच्छा सा मूवमेंट हमें मिल गया कि ये क्या कर रही है, चल रही है सिर पे कुछ लेके, ये जो हाथ ऊपर है ये सिर पे कुछ पकड़े हुए है। काफी बड़ा सा हम यहाँ पर ये गमला जैसा कुछ बना देते हैं। टोकरी गमला या कुछ भी बना सकते हैं आप। इसके बाद इनकी जो साड़ी है उसको आपको बनाना है, तो यहाँ पर घूंघट ऊपर से है और यहाँ पर ये साड़ी की जो फोल्ड है एक ऊपर से, और ये यहां से लपेट के आपको क्लोथ्स ठीक से बनाना आना पड़ेगा। क्योंकि आप काफी टाइम देखते होंगे फिगर्स अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जब हम क्लोथ बनाते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी से स्टिक कर देते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग क्लोथ्स को बॉडी से स्टिक करने के चक्कर में ज्यादा बस बॉडी के फॉर्म्स दिखाते हैं और उसके ऊपर क्लोथ के कलर्स कर देते हैं, वो क्या लगता है, थोड़ा कार्टूनी लगता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे। आप कभी भी रास्ते में चलते चलते किसी को भी देखिएगा, ज्यादातर 80% टू 90% लोग क्या करते हैं कि कंफर्टेबल होने के लिए काफी लूज क्लोथ्स पहनते हैं। तो उसी तरह से आप लूज क्लोथ्स बनाएंगे तो ज्यादा नेचुरल दिखेगा। लेकिन अगर आप माइंड से बना रहे हैं और
आपको मतलब कैरेक्टर दिखाना है तो आप तब क्लोथ की जो फिटिंग है उसको यूज करके कैरेक्टर दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई ओल्ड मैन या फिर कोई गरीब या फिर उस टाइप का कुछ दिखाना है तो आप क्या कीजिए कि जो नॉर्मल क्लोथ से या फिर से गमछा हो गया या फिर जो नॉर्मल धोती कुर्ता हो गया या फिर जो जो गंजी हो गया कुछ भी जो उसने पहना हुआ है उसको काफी ढीला ढीला रखिए और काफी जो उसके जो उसका गला है उसको काफी खुला खुला रखिए। तो क्या होता है कि हमें एक सेंस मिलता है कि वो उतना केयर नहीं कर रहा अपने अपने जो वेयरिंग है उसका, अपने जो क्लोथ्स है उसका, जो अपीयरेंस है उसका। तो क्या होता है कि हमें एक सेंस ऑफ वो जो नॉर्मल या जो पुअर है वो मिलता है। लेकिन जब आप क्या कहते हैं थोड़ा सा टाइट बनाते हैं क्लोथ, फैंसी क्लोथ बनाते हैं, जैसे कि मैंने पिकनिक वाले ड्राइंग में बनाया था कि कोई भी मतलब जो कन्वीनियंट क्लोथ है वो नहीं थे, काफी टाइट फिटिंग थे क्लोथ। तो उससे क्या होता है कि एक रिच वाली फीलिंग मतलब ड्राइंग में हम ऐसा दिखा सकते हैं वो काफी अपने अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने क्लोथ्स पे ध्यान दे रहे हैं और इसलिए वो टाइट है बॉडी से लगे हुए, तो थोड़ा सा रिच वाला फीलिंग दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसी कोई कॉन्ट्रास्टिंग ड्राइंग बनानी हो जिसमें रिच और पुअर को एक साथ दिखाना हो, या तो फिर बस रिच को दिखाना हो या तो एक पुअर का फील देना हो, तो कपड़ों से जज नहीं किया जाता, लेकिन आप अगर ऐसे फील लाना चाहे तो आप क्लोथ्स का काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्लोथ्स जो पहने हुए वो भी और जिस तरीके से उसने पहना है वो भी, तो आप थोड़ा सा लूज क्लोथ्स बनाएंगे ड्राइंग में तो आपको दिखाई देगा कि ये काफी मतलब जो नॉर्मल है, जो हम लोग है नॉर्मल लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो एक ओवरऑल फिगर है वो बन जाते हैं। जो हैंड्स और फुट है उसको उतना ज्यादा डिटेल नहीं करना, बस एक ट्राइंगुलर फॉर्म देना है कि कौन से डायरेक्शन में वो मुड़ रहा है, बस इतने से ही काम बन जाता है। तो ये करने के बाद मैं फिर से अपना जो डार्क पेंसिल है वो उठाता हूँ और लाइन वेट का यूज करके उसमें पूरे ड्राइंग को अच्छे से एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। आप इसकी बस आउटलाइन ही बना रहे हैं इस पेंसिल से, लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि जो हमने पहले बनाया है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंसेस आप बना सकते हैं इसमें तो आप इस टाइम भी कोई डिफरेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने फेस के थोड़ा सा देखकर थोड़ा बहुत उसके शेडोज को ऐसे चीक्स में मार्क कर दिया। आपको पूरी डिटेलली नहीं बनानी है, लेकिन कोशिश करें कि एक हल्का सा एक फॉर्म दिखाई दे कि हाँ ये एक ह्यूमन है ऐसा लगे। ये जो चीक्स आप देख रहे हैं इसको मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि जब हम वाटर कलर करेंगे इसमें तो उस पार्ट में हम हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा डार्क लग रहा है थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो इसके बाद जो बड़ा वाला फॉर्म है उसको देखेंगे। आप हमेशा क्या कीजिए कि बड़ा वाला फॉर्म से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप छोटे डिटेल्स पहले बना लेंगे ना तो क्या होगा कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा और जो छोटे डिटेल्स है बस वही ठीक होंगे। लेकिन हम जब देखते हैं कि जो बड़ा स्ट्रक्चर है वही कोई चीज को वैसा बनाता है जैसा वो दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है बड़े फॉर्म्स पे, उसके बाद आप कोई भी डिटेल ऐड कर सकते हैं जो कि उतनी जरूरत होती भी नहीं। आप अगर जो मास्टर्स के ड्राइंग देखते हैं जैसे कि राजकुमार साता भाई या तो फिर मिलिंद मलिक ज्यादा फिगर्स बनाते नहीं है, लेकिन जब वो बनाते तो आप देखिएगा किसी किसी पिक्चर में कि जो उनके फॉर्म्स होते हैं ह्यूमन के वो काफी सिंपलिस्टिक होते हैं, पूरे मतलब सिंपल फॉर्म्स का यूज करके वो फेस कभी बनाते भी नहीं है, बाई चांस एक दो बार बनाते हैं, लेकिन जो फॉर्म्स होते हैं बॉडी के वो बस ऊपर दिखाई देते हैं, बस ऊपर जो एक स्ट्रक्चर है बॉडी का और उसी में ही पूरा ड्राइंग काफी अच्छा लगता है।
और राजकुमार साधा भाई क्या करते हैं कि काफी डिटेल्ड पेंटिंग्स बनाते हैं, काफी डिटेल्ड वो ज्यादातर फिगर और पोर्ट्रेट ही बनाते हैं, लेकिन उनके फिगर काफी ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, लेकिन डिटेल्स में आप खोइएगा मत, क्योंकि उनके जो वो जो स्टार्ट करते हैं वो भी फॉर्म से ही, बड़े फॉर्म से ही स्टार्ट करते होंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी ड्राइंग अच्छे से एक्यूरेटली बनाना हो तो फॉर्म्स मेन चीज है, उसके बाद जो डिटेल्स है उस पे उतना कोई ध्यान भी नहीं देता डिटेल्स पे। हाँ, अगर आपको चाहिए कि एक बहुत अच्छा से इलेबोरेटली आप ड्राइंग बनाए तो हाँ डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, उससे पता चलता है कि अगर आप जितने डिटेल्स पे ध्यान देंगे तो कितने अच्छा आप आर्टिस्ट है उससे आप पता चल सकते हैं, लेकिन वो कोई भी कर सकते है। 10 घंटा बैठ के 1000 डिटेल्स कोई भी बना सकते है, लेकिन जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है वो जो बड़े फॉर्म से और जो कैसे दिख रहे ऊपर से उसको देख के सिंप्लीफाई करते हैं। जो पुराने आर्टिस्ट थे बड़े रेनेसेंस के, वो क्या करते थे, सिंप्लीफाई कर देते थे फॉर्म को, और उसी वजह से उनका एक स्टाइलिस्टिक और रियलिस्टिक भी दिखता था, लेकिन एक स्टाइलिस्टिक भी था। तो इस तरह से हमने क्या किया कि डार्क लाइन्स का यूज करके पूरे फॉर्म को दिखा दिया और हमारा पूरा फिगर रेडी हो गया। तो इसी तरह से हम कई सारे फिगर्स का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है आपको, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, 10-12 दिन में ही है। तो आप क्या कीजिए कि जितने हो सके उतने फिगर्स बनाइए, देख के बनाए, बिना देख के बनाए, आपसे बिना देख के नहीं बना सकते, देख के भी आपको बनाना जरूरी है, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि जो हम बना रहे हैं वो एक्चुअली में कैसा दिखते हैं। सिर्फ आप बिना देख के बनाएंगे तो क्या होगा कि जो एक फॉर्म होगा, जो रियलिस्टिक एक फॉर्म है जो, और जो हमारे माइंड में, वो काफी डिफरेंट होता है। Thank you.